लाइफ में कुछ अच्छे और कुछ बुरे पल होते हैं। एवरी सिंगल पर्सन इन द लाइफ इज स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग। लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। पता है कि ये सब इतना इजी नहीं है, बहुत सारा हार्ड वर्क, स्ट्रगल एंड एफर्ट्स तो करना पड़ेगा। एंड यू नो, कभी कभी लाइफ में इट फील्स लाइक डूइंग नथिंग, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए ना सब कुछ स्टॉप कर दो। यू माइट हैव ऑल्सो फेल्ट दिस। कभी कभी तो यू उदास बैठ जाती हूँ और खुद को तलाशती हूँ अपने अंदर। लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को कुछ देर के लिए म्यूट कर देना चाहती हूँ, सारी प्रॉब्लम्स को, बट नहीं कर सकते ऐसा। पढ़ाई करते समय जब भी डाउन फील करती, या तो ब्रेक लेती या फिर यूट्यूब पे मोटिवेशन टू स्टडी हार्ड सर्च करती, अंटिल आई नो दैट रियल मोटिवेशन वॉज इनसाइड मी, इट वॉज विद इन मी। ये मुश्किलें हवा जैसी है, जितनी आएंगी मेरे अंदर की आग बढ़ती जाएगी। समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चाहो तो समझ सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में कभी कभी खुद को दूसरों से कंपेयर कर बैठती, विच इज़ डिस्ट्रक्टिव। बिसाइड्स, पीपल ओनली टेल यू एंड शो यू वॉट दे वॉन्ट यू टू सी इंस्टेड ऑफ वॉट इज रियली हैपनिंग। सिर्फ तुम्हारी एक साइड देखकर अपना जजमेंट दे देते लोग। लेकिन आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना होगा। थक जाओ तो ब्रेक ले लिया करो, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक ब्रेक रादर देन गिविंग अप। तुम खुद भी जानते हो कि यहाँ तक आना आसान नहीं था, फिर भी तुमने किया। एवरीबडी इन द लाइफ इज फाइटिंग अ बैटल अबाउट विच नोबडी नोज। कई बार लाइफ में छोटी छोटी बातें इतना इम्पैक्ट करती है कि फिर इंसान ना कुछ सोच पाता है और ना ही कुछ समझ। कभी कभी तो दिमाग और दिल की जंग इंसान को इस तरह खा जाती है कि फिर एक पॉइंट पे ऐसा लगता है दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ दिस, बट देन सब कुछ याद आता है कि मैं कहाँ थी और कहाँ हूँ। इतने चेंजेस खुद में ही ऑब्जर्व करती हूँ कि इट फील्स लाइक यस आई डिड, यस यस आई डिड। ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियाँ नहीं की, बहुत सारी गलतियाँ की हैं और उनसे सीखती भी आ रही हूँ, एंड दैट्स व्हाट मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। Kalam sir told that one should remember that when man gains extra money and power more than what is necessary, then he invites ruin, restlessness and destruction. He loses control. Instead of searching for answers outside, we'll have to look within them. Challenge, throw up opportunities. Once one selects a task, one should get immersed in it. Either you will succeed or fail, the risk will always be there. When you fail, you still have the experience gained to draw upon in the future. When failure occurs, challenge it with a cheerful attitude. Spiritual strength is important, and along with this, we must have economic strength, for strength is respected in the world. A combination of both is necessary, and to achieve both, there is only one answer: sweat. Hard work is must. There are success stories among failures, there is a hope among chaos, promise among problems. We are 1 billion people with multiple faiths and ideologies. All through this book, Sir has been spoken about the power of the imagination. It lies at the heart of a creative process and is the very substance of life, allied as it is to the power to attract to us what we most desire. This power makes all the difference between winners and the losers. It is the power that arises from deep within you.